أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد الله اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد रबी शराली सदरी अमरी वाहली रबी अलहमद अल्ला ला अल्लाह तला का लाख लाख करोड़ शिक्र एहसान है कि अल्लाह तब को अपने आखिरत की तैयारी के लिए इस सुरों के तर्जुमे और तफसीर की तोफी हिनाय फरमाई अल्लाह तला हमें इसे गौर से सुनने और अमल करने इसकी बातों पर अमल करने वाला बनाए आमीन शुमा ने तो जैसा कि हमारी ये सिलसिला शुरू हुआ आज हम सूर्य नसर और सूर्य का तर्जुमा इनशाला तो तर्जुमा हो चुका है आज नसर पढ़ रही हूँ और बिस्मिल्लाम और आय सद खुल्ला فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا الحمد لله इस पहली ही आयत में जो इजाजा नसर का लफ्ज नसर को इस सुरे का नाम करार दिया गया है ठीक है शान नजूल में इसके ये बातें आती हैं कि ये तीन आयतों पर मुश्तमिल मुझ, मुझ, सूरत है जिसमें तीन आयतें हैं हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी के ख़ौल के मुताबिक ये कुरान मजीद की मुकम्मल और आखिरी सूरत है मेरी बहनों यानी इसके बाद कोई सूरत नाजिल नहीं हुई ये कुरान मजीद की मुकम्मल कंप्लीट और आखिरी सूरत है इसके बाद कोई मुकम्मल सूरत रसूल पर नाजिल नहीं हुई ठीक है? एक और हदीस में हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदू की रिवायत से यह बात हमारे सामने आती है कि यह सूरत विदा के मौके पर अमाम तशरीफ़ के वस्त में मीना नाजिल हुई और इसके बाद रसूल रसूल अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊंटनी पर सवार होकर अपना मशहूर खुदबा इरशाद फरमाया खुतबा वो है ना हजतुलविदा का आखिरी खुतबा कि मैंने अपना पैगाम तमाम लोगों पर पहुंचा दिया बलकर तमाम एक लाख चौबीस हजार लोगों को जमा करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही लेते और आसमान की तरफ इशारा करके अल्लाह ताला को गवाह बनाते तो ये वो सूरत है फिर मोमिनीन हम सबकी माँ हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह त फरमाती है कि जब ये सूरत नाजिल हुई तो रसूल सल्लाम ने फरमाया इस साल मेरा इंतकाल होने वाला है ये खबर सुनकर आपकी बेटी हजरत फातिमा रो पड़ी इस पर आपने फरमाया मेरे खानदान में।, में से तुम ही मुझसे पहले आकर मिलोगी ये बात सुनकर फातिमा हंस पड़ी जो कि वाकया हम बार बार सुनते हैं ना के एक बात अल्लाह के रसूल खरीब बुलाकर फातिमा को बोले तो रो पड़ी फिर रोने देख के फिर बुलाकर एक बात बोले तो हंस पड़ी तो हजरत आयशा ने भी इसको बताया कि क्या कहा अल्लाह के रसूल ने तो बाद में वो बोलते ये बात हुई थी बल्कि तो वो ये वाक है ठीक है तो ये वो बात है तो इसका मतलब पहले से कैसा मालूम हो गया गैब की बात बल्कि बात नहीं है बल्कि यहाँ पे आखिरी आयत में जो फसब का वस्तक फिर की जो आयत है ना इसका मतलब आप अपनी इबादत में मशगूल हो जाइए आपका काम मुकम्मल हो गया कंप्लीट हो गया अब आप अपने रब की तरफ आने और अपनी आखिरत की फिक्र में अल्लाह की ज्यादा से ज्यादा हालांकि आपकी पूरी जिंदगी ही अल्लाह के हर बाहर गुजरी है मगर फिर भी मैं अपनी बात को आगे बताऊंगी कि दुनिया के मामला में लोग कैसे रहते हैं और अल्लाह के रसूल ने अपना मामला किस तरह पेश किया वो बताने की कोशिश कर रही हूँ इसीलिए अल्लाह के रसूल ने गौर किया शायद मुझे अल्लाह ताला इस साल अपने पास बुलाने वाले हैं ठीक है समझ गए मौजू और मजमून क्या है इसका अभी जो मैंने हदीसें पढ़ी हैं उससे वाजे होता है कि जब सरजमी अरब में इस्लाम की फतह मुकम्मल हो जाएगी और लोग अल्लाह के दिन में फौज दर फौज दाखिल होने लगेंगे जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया था तो क्या मतलब फतह याबी कामयाबी मिलने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म सादिर किया गया है कि आप अल्लाह की हमद और तस्बीह करने में मशगूल हो जाइए उसके ही पजल करम और उसकी मदद के साथ आपने ये बे इंतहा अहम काम को अंजाम दिया और फिर कामयाबी भी से हम किनार किया यानी कामयाब भी हो गए इस काम में और इस बात की भी तलखीन दी जा रही है कि अल्लाह से दुआ करें कि इस खिदमत की अंजाम दही में कुछ भूल चूक या कोताही सरज सरजद हो गई हो तो दरगुजर और माफ फरमा दीजिए सुबहान अल्लाह देखिए मेरी प्यारी माँ और बहनों ये मकसद है समझ में आया ना इसका आपने को ये सूर्य के नाजिल होने का मकसद के पहले तो आपको जिस काम के लिए सौंपा गया था उसमें मुसलसिल अल्लाह की मदद के साथ आपकी कोशिश रही तो जिस तरह हमने चाहा वो काम मुकम्मल हो गया मगर दुनिया में याद रखिए मेरी माँ और बहनों अल्लाह की जात के अलावा किसी नबी या किसी वली या किसी भी शख्स इंसान को ना हर काम में कंप्लीट क्या बोलते मुकम्मल नहीं रहती मतलब वो काम अल्लाह के, के अलावा दुनिया में कोई भी शख्स क्यों ना हो अपने काम में वो दर्जा हासिल नहीं कर सकता जो अल्लाह को है इसीलिए नबी को भी यहाँ पर इशारा दिया गया है कि जो भी कोताही होगी उसके लिए आपको क्या करना है अल्लाह से माफी मांगना है और उसकी ज्यादा से ज्यादा तस्वीर बयान करना है मसलन जैसे कि अभी हम मैं मिसाल देती हूँ अब रोजे आ रहे हैं ना रोजों में हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश कर दे रोजे पूरे रहने के बाद आखिरी ईद से एक दिन पहले या ईद के दिन अल्लाह क्या करो बोले सबसे फित्र निकालो बोले ना क्यों निकाले कि वो अपने इस महीने में जो जो भी रोजे रखे फिर उस रोजों में जो कमी वाक हुई उसका कफारा समझ रहे हैं आप इसीलिए ताकीद की गई बच्चा जो पैदा होता है हालांकि वो रोजा नहीं रखता तब भी उसकी तरफ से हमारे सदका फित्र निकालना है कि हमें अपने आमाल पे खुश होकर जन्नत में जाना है बल्कि दलील नहीं है बल्कि जमीन पे हर काम कोई भी जितना वो है उस तरीके से मुकम्मल नहीं हो कर सकता अल्लाह की उसमें मफफरत शामिल हुए बाद ही हम जन्नत में जा सकते मसल नमाज देख लीजिए सलाम फेर दई आपको क्या बोलो बोलते हैं? हम सब क्या करते हैं अल्लाह अकबर अस्त फिर अस्त बोलते नहीं बोलते क्या नमाज में भी जो कोताही रह गई इस माफी से अल्लाह तमारे को हमारी नमाज शबूल करे ये है मकसद समझ रहे हैं आप मेरी बात के हमारे इंसान की फितरत ऐसी है कि वो कौन सा भी काम करे ना कुछ ना कुछ कमी हो जाती तो उसके लिए वो काम के मुकम्मल होने के बाद अल्लाह से माफी मांगने का एक तरीका अल्लाह ने तकर किया वो हम करते हैं तो इसीलिए ईद की नमाज शुक्राने के तौर पे है सदखा फितर कफारे के तौर पे है इसे दूसरे अमाल को भी देख लीजिए अल्लाह तला ने यह तरीक़ा बयान फरमाया ताकि हमारे ये कामों में हम अपने कामों पर ही भरोसा करके मैं तो जन्नती हो नहीं सोच लेना अल्लाह की मदद उसमें आना तब वो काम जन्नत में जाने के लायक बनता ये है हमारा बोलने का मकसद समझ रहे मेरी बात नहीं कुछ डाउट है अभी पूछो इस बारे में हेलो मेरे मैं अकेली हूँ क्या कोई है मेरे साथ जी जी अल्हम्दुलिल्लाह समझ रहे हैं चलिए ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह मैं आगे बढ़ती हूँ यहाँ ये यह मेरा अंदाज था बोलेगा अब यहाँ मैं तफसीर की तरफ से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ यहाँ ये बात काबिल गौर और फिक्र है कि एक नबी और एक आम दुनियावी रहनुमा के दरमियान कितना अजीम और वाज़े फर्क है जो मैं ना दुनिया के रहनुमा यानी हमारी जो मदद करते हैं हमारे लीडर्स वगैरह अपनी कामयाबी पर जश्न मनाते हैं फख्र महसूस करते हैं लेकिन जहां अल्लाह के पैगंबर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेवीस साल की मुख्तसर मुद्दत में पूरी कौम के तमाम उमूर उमूर माने काम जैसे हमारे अकायद को दुरुस्त करना हमारी आदतों में तब्दीली लाना हमारे अखलाक को संवारना हमारी सियासत बनाना हमारे जंगी हालात का जायजा लेना सब सब को अक्सर बदल डालना, तो हम हमारे इस काम में हमारे नबी ने जो हमारे सरदार हैं आपको इतना अजीम कारनामा अंजाम देने के बाद अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि आप अल्लाह की हमद और तजवी करते रहें और उससे मफ़रत तलब करते रहें सुबहान अल्लाह जो हालांकि अगर अल्लाह चाहे तो बोल सकते कि चलो आप कंप्लीट कर लिए आज आज भी ईद के तौर पर आप खुशियां मनाइए बल्कि मगर है हमारे पास वैसी कोई नहीं तीसरी ईद हमारे पास दो ही ईद के दिन है ईद उजा और ईद उल फ्फित्र मगर यहाँ अपने कामयाबी पर अल्लाह ताला आपको क्या बोल रहे हैं चलो अल्लाह की तस्वीर बयान करो और उससे मफफरतर करो और अपने आगे अभी आपको अल्लाह ताला ऐसे ही मदद करेगा जिस पर आप अपना सर तस्लिम खम कर देंगे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर देखिए ये है हमारा दीन ये है हमारी खासियत अलहमदुल्ल अब मैं जो बातें भी होता है इससे हमारी कामयाबी और कामरानी में सिर्फ अल्लाह ताला का फजल शामिल करना है ये बताना चाह रही थी हमारी मेहनत पे हमको फख्र करना नहीं है हमारे माल पे हमको फख्र करना नहीं है हमारी औलाद पे हम को फख्र करना नहीं है हमें अपनी मेहनत और काम कोशिश के बाद किस पे भरोसा करना है अल्लाह के फजल से इसलिए बोलते हैं ना हाजामिन फजली रबी के हम अपनी मेहनतों से ये सब कुछ हासिल नहीं करे बल्कि हमारे साथ अल्लाह की मदद थी तब जाकर हमें यह कोशिशें हमारी एक कामयाब हो सके जिसमें हमारी कोशिश की कोई वक्त नहीं रह जाती और हमें अपने अंदर से गुरूर और तकबर निकल जाता बल्कि हमेशा हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हमदोसना करते हुए नहाय आजजी व इनके सारी के साथ इस्तिग़फ़ार करते रहना है ताकि हमें अल्लाह ताला की रजा खुशनुदी हासिल हो और उसके मुख़र्रब बंदों में हम सब भी शामिल हो इंशाल्लाह देखिए कितना प्यारा शान नजूल है ना इसका मतलब मकसद है ये सूरत के नाजिल होने का हमें ये बात आज समझ में आई सही बोल रही हूँ हम हजार बार पढ़े होंगे ये सूरत मगर इसकी मतलब आज समझ में आया कि अल्लाह ताला ने आपकी कामयाबी पर आपको अल्लाह की उसके तलब करने का हुक्म दिया तो हमें भी ये बात अभी से समझ लेना है कि हमारी जितनी भी जिंदगी हो चुकी है अब आगे होने वाली है इसमें हमें अपने आमाल पर इतफा इतफा मानी काफी हो गए बोल के नहीं समझना है बल्कि अल्लाह की मदद को हमेशा मरने तक भी याद रखना है ठीक है फिर वही बात बता रहे कि ये एक लाख दस हजार सहाबा से अल्लाह ताला ने हजरतलविदा के मौके पर खिताब किया और इस सूरत का ऐलान किया असुरन असरे के नज़ूल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के दरमियान तीन महीने और कुछ दिन का फैसला था फासला था सॉरी फासला था क्योंकि तारीख की विदार के रूप से हजतुल्विदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के दरमियान इतना ही अरसा गुजरा था ठीक है गोया के इसमें आपके اپ کے اس دنیا سے رخصت ہونے کی اطلاع चलिए अब ترجمے کی طرف اتے ہیں शान नुजुल मालूम हो गया इस सूरत के नाजिल होने का मकसद मालूम हो गया और नाम मालूम हो गया क्या बोल रहे इजा जब जा आ जाए माजी का सिगा है पास टेंस में बोल रहे जब आ जाए अल्लाह की मदद वलफत और कामयाबी नसीब हो जाए बेशक तो क्या करना चाहिए क्या होगा जब आ जाए अल्लाह की मदद और कामयाबी नसीब हो जाए यहाँ एक एक कामयाबी का मतलब नहीं है जंगों में भी कामयाब होते थे ना वो मतलब नहीं है बल्कि यहाँ बता रही के वो फैसला कुन फतह है जो आखिरी में जिसके बाद मुल्क में कोई दूसरी ताकत ऐसी नहीं जो इस्लाम से टकरा सकती थी इस्लाम से टक्कर लेने की ताकत किसी और जमात में किसी और दिन में नहीं थी वो फता है मुकम्मल फता और दीन को जजीरे अरब में खालिब होकर रहना है यानी यहाँ उसके बाद से अब जो अरब की सरजमीन थी उसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का ही कब्जा हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद दूसरी आयत देखते हैं और आयतन नासा यद खलूनाफी दीन अफवाजा तो उसका नतीजा बता रहे अल्लाह ताला दूसरी आयत में जब अल्लाह की मदद और फता मुकम्मल हो गई तो आप देखेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोगों को दाखिल होते हुए दीन अल्लाह के दीन में यद खलूना दाखिल होते हुए फी में दीन अल्लाह के दीन में अफवाजा फौज दर फौज यानी एक एक इंसान एक एक खानदान वैसा नहीं बल्कि एक एक बस्ती सुबह अल्लाह एक एक शहर अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहा था अल्लाह ताला के हुजूर मुखातिब होकर फरमाया फरमा अल्लाह ताला मोहम्मद वसल्लम से मुखातिब होकर फरमा रहे हैं कि ए नबी तुम देख लोगे कि लोग फौज दर फौज अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं यानी वो दौर खत्म हो गया जब लोग एक एक या दो दो करके इस्लाम में दाखिल होते थे अब ऐसा वक्त आ गया है कि पूरे के पूरे कबीले बड़े बड़े इलाकों के बाशिंदे किसी भी किस्म की जंग और किसी भी मज़ाहमत के बगैर अज खुद अपनी मर्जी से बगैर जबरदस्ती मुसलमान होने लगे हैं और अल्लाह की रसूल की खिदमत में हाजिर होकर फौज दर फौज ईमान ला रहे हैं और बैत कर रहे हैं आपके हाथ पर यहां तक के दस हिजरी में जब विदा के लिए अल्लाह के रसूल तशरीफ ले गए उस वक्त पूरा अरब इस्लाम में दाखिल हो चुका था कोई भी मुशरक बाकी ना रहा था सुबह अल्लाह सुबह अल्लाह तो इसका नतीजे में आपको आखिरी आयत में क्या फरमा रहे हैं फसबी का वस्त फिर इन खाना तो आप क्या करिए अपने रब की हमद के साथ उसकी तस्वीर कीजिए तो तस्वीर के लिए हमारे पास क्या अल्फाज हैं सुबहान अल्लाह व बिहमदिही सुबहान अल्लाह अजीम अल्लाह के रसूल ने इन दो कलमों के बारे में क्या खुशखबरी दी है आपको पता है जरा गौर से सुन लीजिए कलीमा खाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलीमताने खफीफताने अलन निसान सखीलताने फिल्मीजान हबी बताने इलर रहमान सुभान अल्लाह ये तुम दो कलमे तर्जुमा सुन लीजिए दो कलमे ऐसे हैं जो हल्के हैं जबान पर सकीलतान खफीफतान माने हल्के बिल्कुल बेवजन यानी हार्ड नहीं है आसान है खफीफतान अलल लिसान हल्के हैं जबान पर सकील ने बहुत भारी है किसमें फिल्मीजान अपने तराजू में जबान पे तो बोलना हल्के है मगर उसका जो सवाब अजर सवाब है वो बहुत भारी है फिल्मीजान तराजू में आखिरत के तराजू में हबीब रहमान और तो और ये इतना खास कम कलमे है मेरी बहनों आज याद हो जाना आप लोगों को मैं बोले तक के ये अल्लाह के तरफ पसंदीदा कलमे हैं हालांकि तस्वीर के बहुत से कलमात हैं जिनकी तस्वीर हम सुबह शाम अस्कार अस्कार वगैरह में पढ़ते हैं मगर उसके अलावा दिन और रात में हम जब भी खाली हों हमारा जबान जब भी कोई बा, किसी बात में नहीं उलझे हुए है, हैं पका रहे हैं हम कोई काम कर रहे हैं तो वो कलमों को हमारी जुबान पर रखने के लिए अल्लाह ताला ने क्या नाजिल किया सुबह अल्लाह वी सुबहान अल्लाह अजीम बस कितना आसान है ये उसकी तजवी है उसके हम के साथ सुबह अल्लाह सुबह कितना कितना प्यारा दिन है जी हमारा कितने हमारे छोटे छोटे आमाल बताकर ज्यादा से ज्यादा अजर सबाब देने के लिए बैठा हुआ है मगर हम ऐसे क्या बोलना चाहिए लापरवाह है कि उसको लेते नहीं कितना खाली टाइम मिलता हमारी जबान खाली रहती नौज खुदा न खासा दूसरे मशगोलियात में जैसे कि ना आजकल मशहूर है अल्लाह माफ करे गाने वगैरह बजते हैं जबान पे वो ये पढ़ लेते रहते बेकार में मगर अपन ये नेमतों को भूल रही तो आखिरत में जब हमारे नेक नेकियों की जरूरत पड़ेगी तो अल्लाह मैंने एक लम्हा भी तेरी तस्वीर से क्यों रुका बल्कि अफसोस करेंगे ये मालूम हो गया तो अब उस पर तो सोचना ना हम तो अल्लाह ताला हम आज ये तस्वीर याद हो जाए और इसको हम अपनी जिंदगी में शामिल कर ले क्योंकि नेकियों का भी और ज़्यादा अब तो खाली जिन टाइम पे दो पढ़ने से ज्यादा नेकियां मिले उसके अलावा भी रमजान में तो और ज्यादा नेकियां मिलने वाली है इनशाला हम ये कलमों को अपनी जबान पर जारी और सारी रखेंगे क्या है वो सुबहान अल्ला हमदी सुबह अल्लाह अज़ीम ये दो कलमे क्योंकि ये किसके रहमान के पसंदीदा कलमे हैं जो जबान पर हल्के हैं मगर मीजान में तराजू में भारी है इनका क्योंकि मकफिरत क्यों मांगो क्योंकि वही मफफरत को कबूल करने वाला है यानी माफ करने वाला है उससे मांग मांगो बेशक मखफरत का कबूल करना अल्लाह के जिम्मे है तो क्या बोल रहे रब की हमद से मुराद अल्लाह ताला की तारीफ और करना भी है उसके साथ साथ अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करना है और तस्वीर से मुराद अल्लाह ताला की जात हर तरह से पाक और मुनाजा है उसका इजहार भी मुकदम है और हर कामयाबी अल्लाह ताला की मदद और रजा के बगैर नामुमकिन है तो अपने जिस बंदे से जो काम लेना चाहता है वो ले सकता है तो ये अल्लाह ताला का एहसान है कि इसने ये खिदमत हम हमारे नबी वसल्लम से ली अब उनके बाद ये काम ये हमारा जिम्मे है ये दीन को फैलाना ये जो भी कोशिश कर रहे ये हम अपने खुशी से रजा अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए कर रहे हैं तो उसी लिए हमें अल्लाह ताला की तस्बीह और तमहीद करते हुए अल्लाह से मदद हासिल करनी चाहिए और दूसरा इसका अल्लाह ताला ने जो खिदमत आपके हवाले की थी इसको अंजाम देने में कहीं कोई भूल चूक हो जाए पहले तो बयान करो बोले फिर, फिर उसका जो पहलू, पहलू है उसकी उसकी बात बता, कि जो जो काम आपको दिया गया है और बयान करने में सॉरी उसका दीन फैलाने में जो भी छोटी मोटी कोताही हुई हो तो उसके लिए अल्लाह से मफफरत मांगे और नबी नौज सोचिए अल्लाह के रसूल ने तो नींद भी बगैर हमारे जैसी नैली लिए ना उनको बोल रहे हैं आप तलब करो तो हम अपने कितने गुना में मुबला इंसान है हमें उनसे कई गुना बढ़ के करना है मगर हमारी हालत क्या है उसके बरफ़ शैतान ने हमें दुनिया में दुनिया की मोहब्बत में ऐसा मशगूल कर दिया कि हम आखिरत की फिक्र से गाफ़िल हो गए तो सोचिए कि हमारी जबान पर क्या रहना हमेशा अल्लाह के नबी से ये साबित है कि दिन और रात में सत्तर से ज्यादा और किसी आदिस में सौ से ज्यादा आप अस्तवार करते थे तो हमारा आपको कितने मरतबा करना है अब हम ही खुद फैसला कर सकते हैं इस बात का तो अल्लाह तला हमें इस बात को समझने वाला बनाए और अपने रब से यही दुआ मांगनी चाहिए कि उसका हक हाँ अदा करने में हमसे जो जो भी कोताही आज हो रही है अल्लाह उसको माफ करते हुए हमारी इस खिदमत को कबूल फरमाए हमारा आपका यहाँ जमा होना भी और मेरा यहाँ बोलना भी दोनों बराबर है तो आप भी दुआ करिए मैं भी दुआ करती हूँ अल्लाह हमारी इस कोशिश को तो सुन रहे हैं हमारे दिलों में उसको महफूज फरमा फिर मफरत की दुआ का अदब जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया गया कि जब खुदा की राह में जद्दोजहद करें किसी इंसान का तस्वुर तक नहीं किया जा सकता दूसरों का ये मुखाम कहाँ हो सकता है तो अपने अमल को बड़ा समझे और समझ अल्लाह ताला की मदद के बगैर वो अल्लाह के ने खुबूल हो समझ गए ना कि नबी को जब ताकीद की गई है तो हम इसके लिए कितने हकदार हैं ये सोचने की तरफ इशारा कर रहे हैं क्योंकि बेशक वो तोबा कबूल करने वाला है कौन अल्लाह ताला ही तौबा कबूल करने वाला है बेशक अल्लाह ताला बड़ा तोबा कबूल करने वाला है अल्लाह ताला का यह फरमान मुसलमानों को हमेशा ये सबक देता है कि अपनी किसी इबादत किसी भी को, कोशिश और किसी भी खदमत दीन को बड़ी चीज ना समझे बल्कि ये समझते रहें कि खुदा की राह में जान भी देनी पड़े तो भी कम है जिंदगी दी थी दी हुई उसी की थी हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ अगर जिंदगी हमारी जान भी देने की नौबत आए तो वो भी कम है क्योंकि ये जिंदगी उसी की दी हुई है तो हमें कोई कामयाबी मिले तो ये नहीं समझना चाहिए कि यह हमारा कमाल है बल्कि यूं समझना चाहिए कि अल्लाह ताला के फजल करम का नतीजा है फख्र और गुरूर इससे निकल जाता है और इसमें मुब्तला होने के बजाय अल्लाह ताला के सामने आजिजी और इंतजारी के साथ सर झुकाकर हम उस काम को और खूबसूरत बना सकते हैं समझ गए ना हम उस काम से जो हमको नेकियां मिलने वाली हैं अगर उसमें हमारी और आजजी और इनके सारी भी शामिल हो जाए और तस्वीर भी हमसे भी शामिल हो जाए तो वो काम और अल्लाह के यहाँ खूबसूरत बनकर पेश होगा तो अल्लाह तला से दुआ है कि वो हमें हमेशा अल्लाह तला की तस्वीर और तोबा करने वालों में शामिल फरमाए आमीन और तस्वीर के लिए एक और जुमला जो भी हम पढ़ते हैं ना सुबह नकल्ला हम दिखा अल्लाक ली सुबह नकल्ला सुबह न का रबनालीम ये भी है मैं इसको इनशाला ग्रुप में शेयर करती हूँ ये भी के अल्फाज है नमाज के बाद हम पढ़ सकते सजदे में भी पढ़ सकते ठीक है चलिए अब हम सूर्य सूर्य काफिर का भी तर्जुमा कर लेते हैं जिसकी तफसीर तो मालूम है ना आपको तो मुख्तसर है ताकि हम दो सूर्य पढ़ लिए जैसा हो जाता आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे اأचलिए آه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم اعبدون ما اعبد ولا نعبد ما عبدتم ولا انتم اعبدون ما اعبد किसी का माइक खुल गया शायद चलिए माशाल्लाह आप लोग भी पढ़ रहे हैं बहुत खुशी भी मैं किसी की आवाज सुनकर कौन थे पता नहीं चलिए अल्हम्दुलिल्लाह इस सूरे के भी पहली ही आयत में काफिर जो लफ्ज है उससे इस सूरे का नाम रखा गया है इसका शान नुजुल में थोड़ा अख्तिलाफ है कि यह मक्की है या मदनी है लेकिन जमहूर मुफसरी के नजदीक यह मक्की सूरत है ठीक है? तारीख पस मंजर इसका यह हैमा में जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम पेश फरमा रहे थे अहले कुरैश मुखालिफत का जो तूफान बरपा किए हुए थे लेकिन सरदारान कुरैश इस बात से मायूस भी नहीं थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ना किसी मुसालिहत पर आमादा कर ले यानी उलंग की कोशिश क्या थी कि अल्लाह के रसूल को ये काम करने से पहले परेशान है मगर इसके साथ-साथ हम क्या करें उनको हमारे तरफ फेरने के लिए हमारे उनके दावत के साथ-साथ हमारे बुतों की दावत को भी कायम रखने की कोशिश में थे लगा मुसालिहत माने किसी ना किसी बात पे आपको एग्री करा लेना क्या वो जिसमें आप तो, किसी एक तजवीज को मान ले आपके सामने ऐसी ऐसी तज वो लाके रख रहे थे कोशिश है कि आप आपका दिन फैलाओ हम हमारा दिन फैलाएंगे ये कोशिश थी वालों को कि उनके साथ उनका दिन हमेशा से मिट ना जाए बल्कि हमारा दिन भी चले उनका दिन भी चले मगर पहला ही हमारा कलमा आप लोग जानते हैं जिसमें नफी करना बहुत जरूरी है हम जो कलमा पढ़ते हैं कलम तैयबा तो स्टार्ट क्या होता ला से शुरू होता ला इलाहा इल्लल्लाह पहले दूसरे तमाम माबूदों की दूसरे तमाम माबूदों का इनकार पहले करो फिर अल्लाह का इकरार करो जब जाके हमारी बात मजबूत होती मगर ये इस हकीकत से वो सरदारान खुरेश गाफिल थे ना उन लोगों को क्या समझ में आता चलो उन्होंने उनका दिन तो भी मान लेंगे हमारा दिन में कायम रहना इस बात की तरफ तो भी रसूल को हम आमादा करेंगे कोशिश करेंगे बल्कि जद्दोजहद कर रहे थे कोशिश कर रहे थे मगर हमारा दीन क्या है पहले तमाम दुनिया के बातिल का बाद करके फिर अल्लाह का इखरार करना है तो कौन है हमारी अल्लाह की अलहमद ला तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रसिल्ह की रिवायत है कि खुरेश के लोगों ने आप सल्ला को तरह तरह के लालच देना चाहा यहाँ तक कह दिया कि हम जो तज़वीज़ आपके सामने पेश करने जा रहे हैं इसमें हम दोनों की भलाई है देखे बोली ना मैं क्या है वो तो रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने पूछा वो क्या है तो मुशरिकों की ये तजवीज के मुताबिक एक साल आप हमारे महबूदों यानी लात और उज्जा की परस्टिश करें और फिर दूसरे साल हम आपके माबूद की इबादत करेंगे क्या बोल रही आन कोई जवाब दिए बगैर उस तरह वहां वहां फरमान दिए बगैर इस तरह फरमाए कि देखता हूँ इस ताल्लुक से मेरे रब की तरफ से मुझे क्या जवाब मिलेगा जब पहली बार शान नजुल में आ रहा जब पहली बार खुरेश के सरदारों ने आके आपके सामने ये तजवीज रखी ऐसा लालच दिलाया तो आपने पहले तो कोई जवाब नहीं दिया यानी अल्लाह के रसूल हर बार बारमा अनिल हवा, इन यही बोलते थे ना कि आप अपनी तरफ से सॉरी आप अपनी तरफ से कोई जवाब नहीं देते थे जब तक कुछ भी बात करते थे अल्लाह की वही की तरफ से बात करते थे तो आप खामोश होकर वहां से आ गए इस जवा इसके जवाब में अल्लाह ताला ने आप पर वही नाजिल फरमाई और सुर काफिर और सुर जुमर की आयत 64 में ये फरमाया कि उनसे कह दो ऐ नादानो क्या तुम मुझसे ये कहते हो कि अल्लाह ताला के सिवा मैं किसी और की इबादत करूँ नौजिल्ला समझ गए ना ये सूरा नाजिल होने की ये वजह है तो इस सूर मुबारक इस, इस अमल से बरात के इजहार पर मुश्तमिल है यानी नहीं जैसे मुशरिकी ने अंजाम देते थे जिसे मुश्रिकी ने अंजाम देते थे इसमें अखलास का भी हुक्म सादिर किया गया बिल्कुल अखलास ही है ना जैसा सुरह अखलास की तफसीर में हमने पढ़ा कि कौन सा भी अमल अगर वो सिर्फ रजा इलाही के लिए ना किया जाए तो वो बातिल है कबूल नहीं होता अल्लाह के पास अल्लाह अल्ला ताला वहां से हट जाते तो एक साल तो छोड़ो एक लम्हा भी हम किसी और को अलमाबुद तस्वुर नहीं करेंगे ये बताना मकसद है इस सूरत से भी यानी इस सूरत से भी अखलास के माना निकलते हैं कि ए काफिरो आप कह दीजिए अगर ये खिताब रुए जमीन के हर फल से है हर काफिर से है मेरे मां बहनों या खुल याफिर या कह के जो अल्लाह तला बोल रहे हैं ये जमीन पे मौजूद हर काफिर से है लेकिन अव्वल मुखातिबीन इसका कौन है खुरै कुफ्पारुरेश है अल्लाह ने अपने रसूल को हुक्म दिया है कि आप इनके दीन से बिल्कुल बरात का ऐलान लाआबू माताबुद मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम इबादत करते हो ठीक है यानी जो जो बुद्ध है जो जो असनाम है वो सब इबादत के लायक नहीं है दीन कुफ्र और दीन इस्लाम बिल्कुल अलग अलग दो दीन है दीन के मामले में काफिरों से किसी भी किस्म की मुसालहत हरगिज हरगिज नहीं मरियम क्या कर? तो चाहे एक लम्हा क्यों ना हो या सदियां गुजर जाए तो आज भी हम इस सूर्य का ऐलान इसलिए करते हैं कि हम हमारे दिल में हमारे रब की मोहब्बत के अलावा किसी और की मोहब्बत दाखिल नहीं कर सकते तो ये सूरज जब बोलने का बात था उसके बाद आज भी बोलने का है जरूरत ताकि हमारे दिल में का वो दूसरे दिनों की बिल्ला वो तो मोहब्बत नहीं आ सकती मगर आज भी हम इस बेबात का इकरार करते हैं सदियां गुजर जाने के बावजूद भी आज भी मुसलमान इस सूर्य को पढ़ते हैं क्योंकि इसमें कुफर और काफिरी बेजारी और लाती का ईमान का सबसे खूबसूरत तक है ठीक है हर आबिद, हर इबादत करने वाले के लिए ये जरूरी है कि उसका कोई महबूद ना, जो भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ ला अला मोहम्मद रसुल्ला है ठीक है यानी अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह अल्ला के रसूल हैं तो समझ में आ गया ना सुर काफिर में काफिरों से हमेशा हमेशा के लिए बारात बेजारी और ला का ऐलान फरमा दिया गया है इस सूरत में इबादत का लफ्ज बार बार तकरार के साथ फरमाया गया है कि ए काफिर मैं इनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम इबादत करते हो और ना तुम उसकी इबादत करते हो जिनकी मैं इबादत करता हूँ और ना मैं उनकी इबादत करने वाला हूँ जिनकी तुम इबादत करने करते हो और ना तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन है और मेरे लिए मेरा दिन है कितना आसान तर्जुमा है देखे ना बस बार बार इबादत को दोहराया गया है इस तरह ऐलान बरात करने किया गया है और यही नाजिल होने वाली मक्की सूरतों में जगह जगह मौका ब मौका फरमाया गया है जैसे सूर्य में फरमाया गया कि अगर ये लोग आपको छुटलाते हैं तो कह दीजिए कि मेरा अमल मेरे लिए है और तुम्हारा अमल तुम्हारे लिए है यानी मक्के की बात सूरतों में जैसे यूनुस है सूर्य जुमर है बोले ना उसमें बार बार ये कहा गया कि ठीक है क्योंकि हमारे दीन में जबरदस्ती ला दीन बल्कि हम पढ़ते ना तो इसको थोड़े लोग गलत फहमी में ये समझते हैं कि किसी को नमाज के लिए बोलना हो तो जबरदस्ती बार बार नहीं बोलना किसी को अच्छे काम करो बल्कि बार बार नहीं बोलना बस उन लोगों को मालूम है उन्होंने बड़े हो गए बालि हो गए समझ जाते उन्होंने जब करना है कर लेते दिन में जबरदस्ती नहीं है समझते मेरी प्यारी माँ और बहनों ये वो अमल नहीं है दीन में जबरदस्ती किस मामले में नहीं है किसी को दीन में दाखिल करने के मामले में नहीं है मगर जब मुसलमान है हमारे बच्चों को भी हम अक्सर माओ को देखा गया है कि वो बच्चों को नेक काम उनकी तरफ उभारने के लिए ना कुछ भी बार बार नहीं बोलते क्यों नहीं बोलते आप पूछो तो क्या बोलते अरे दीन में जबरदस्ती नहीं है जीवन बड़े हो गए समझदार हो गए कर लेते नहीं वो हरगिज नहीं है मरे दम तक उनको मालूम है हम जिन हकीकतों से वाबस्ता है वो बच्चे नहीं मालूम है उनको हमें उठाना है फजर में रोज अगर नहीं उठ रहा हमारा बच्चा तो उठाना जबरदस्ती उठाना क्यों हम मुसलमान है वो बच्चा उसको मान नहीं मालूम कि कितने नुकसान है एक नमाज ने छोड़ छोड़ दिए तो सुबह की पहली कामयाबी नहीं मिलती उसको इसलिए हम जबरदस्ती से उठाना चाहे वो बच्चा नाराज हो चाहे हमारे शोहर भी नाराज हो मगर जबर क्यों दीन की मोहब्बत से जब दाखिल करने के लिए जबरदस्ती नहीं है समझ रहे ना ये सूरे से, क्या मालूम है दीन में दाखिल करने के लिए जबरदस्ती नहीं है मगर दीन में आ जाने के बाद हम जितना हमारा जिसपे जितना हक है जितना हमारा रिश्ता है उस हिसाब से बोलना हमारे पर फर्ज है तो इसीलिए हम बोलते देखो कोई मुसलमान हो रहा तो आपको किसी किस्म का लालच तो नहीं दे रहे ना इस्लाम कबूल करने किसी तरह किस्म की जबरदस्ती तो नहीं है ना किसी किसम का डराव तो नहीं है ना नहीं क्यों अगर वैसा रहा तो उन्हें रहता थोड़े दिन वो डर खत्म हुए तक हमारे दिन में रहता फिर पलट जाता इसलिए माँ जबरदस्ती नहीं करना है जैसा कि जाकिर नायक की मिसाल दो ना जरूर पसंद करूंगी कि उन्होंने कितने लाखों की मजमु में लोगों को मुसलमान होते उनकी तकरीरें सुन के तो पूछते देखिए तीन अल्फाजों तो को कैसा भी आप पे कोई जबरदस्ती तो नहीं है ना आपको कोई मजबूर तो नहीं कर रहा ना आपको कोई खौफ तो नहीं दिला रहा ना क्यों अगर वैसा करके दिन दिन में दाखिल भी कर ले तो वो मुस्तकिम नहीं रहता हमेशा के लिए नहीं रहता उन्हें बदलने के चांसेस रहते मैं जो खुशी से दाखिल मोहब्बत से दाखिल होता फिक्र से दाखिल होता वो उसके दिल से अब हमारे दिलों से निकालो वो तो निकलता इस्लाम नौस हरगिज नहीं हम कभी भी मरना पसंद करेंगे मगर इस्लाम से हटना पसंद नहीं करेंगे ये है जबरदस्ती समझ रहे ना तो अल्लाह अल्ला ताला ने कुरान में बहुत सी जगहों पर यही फरमाया कि किसी को जबरदस्ती दीन में दाखिल मत करो उन्हें अपनी समझ बुझ से अखल से खुशी से दाखिल होना ठीक है ये बात बताना था इसी तरह सुर शोरा में भी है सुर सभा में भी है सुरह जुमर सुर मुमतना ये कुरान की सूरतों में अल्लाह तला ने बार बार ये हकीकत को सामने किया है कि तुम लोगों तक दीन पहुंचाने का काम करो मगर दीन को कबूल करना नहीं करना उनकी फिक्र है नहीं है वो अल्लाह जानता है उनको तौफीक देने वाला अल्लाह है जैसा कि अल्लाह के रसूल ने को भी अल्लाह ने एक मर्तबा रोक दिया अपने चाचा को ईमान की दावत जबरदस्ती दिलाने के तौर पे इन क्या बोले अपने ए, ए मेरे चाचा आप एक बार कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो मैं अल्लाह से आपकी सिफारिश करूंगा तो आप क्या बोले अल्लाह ताला नहीं ए नबी आप जिसको चाहे हिदायत पर नहीं ला सकते अल्लाह जिसको चाहे हिदायत पर ला सकता है तो दीन हक दीन बातिल दोनों के दरमियान फर्क है एक जन्नती है और मोमिन है और दूसरा दो सही और जहनवी है जो कि कुफार है ठीक है ये बात हमको इस इस सूर्य से समझाई गई है इसी तरह एक हदीस पढ़ देती हूँ उसामा बिन जैद रजी से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फरमाया मुसलमान काफिर का वारिस नहीं हो सकता और ना ही काफिर मुसलमान का वारिस हो सकता है क्या मतलब जो शख्स तोहिद पर ईमान रखता हो लाजिमन उस इबादत में अपनी बराद बेजारी का इजहार करे क्योंकि अल्लाह ताला के में से एक माबूद नहीं है बल्कि वही एक तन्हा तन है। कुरान मजीद में साफ साफ अल्फाज में फरमाया गया है कि इंसान अपनी बंदगी को बिल्कुल बिल्कुल सिर्फ अल्लाह तबारक के लिए खालिज कर दे और जो इस बात का इकरार करता वो किसी काफिर का वारिस नहीं बन सकता मतलब क्या है माँ, एक बाप बेटा है बाप काफिर है बेटा मुसलमान है तो बाप की जायदाद में से बेटे को कुछ नहीं मिलेगा याद रखिए और बेटा मुसलमान है बाप काफिर है तो बेटे की विरासत में से बाप को भी कुछ नहीं मिलेगा ये हदीस हम को इस बात की तरफ इशारा करती है क्योंकि यहां उनका ताल्लुक अल्लाह से जोड़ा गया है एक मुसलमान काफिर का वारिस नहीं हो सकता और ना काफिर मुसलमान का वारिस हो सकता है चाहे वो बेट माँ बेटे रिश्ते में हो समझ गए तो अलगर्ज आखिरी में मैं अपनी पूरी बात को इस तरह वाजे करने की कोशिश कर रही हूँ मेरी बहनों अल्लाह इज़्ज़त सारी कायनात का खालिक है मालिक है राजक है जो हर ऐब से हर नुक्स से हर कमजोरी से हर गलती से मुबर्र और मुनजा है यानी पाक है मुन् के माने पाक है मुबर्रा है फिर जो दुआएं हमारी सुनने वाला भी है और उसका जवाब देने वाला भी है और जिसके सामने हम लोग अपने अमाल के हिला हिसाब से जवाबदाह हैं मरने के बाद हमें दोबारा उठाने वाला वही अल्लाह है और हमारे अमाल का मुहाजबा करने वाला भी और उसके मुताबिक सजा या जजा दोनों देने का मालिक और मुख्तार रखने वाला भी हमारा अल्लाह ताला है ही है तो अल्लाह ताला इस सूरज की फजीलत को हमें समझने वाला और इसकी बातों पर हमें अमल करने वाला बनाए और एक हदीस में इसकी फजीलत में बयान कर कर अपनी बात खत्म करूंगी हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के मौके पर दो रकात दौरान तवाफ दो रकात नमाज पढ़ते थे जिसमें पहली रकात में आफिरुन और दूसरी रकात में सूर्य अखलास की तिलावत फरमाते थे ठीक है फरमाइए ये सही है मुस्लिम की हदीस है इसीलिए आज उम्रे के लिए या हज के लिए गए तो भी तवाफ के दौरान जब मामा, अपन मकाम इब्राहिम के ने दो रकात नमाज पढ़ो बोलते उस दो रकातों में सूर्य भी बता दिए जम्मी सूर कौन सा पढ़ना पहली रकात में सुर का और दूसरी रकात में सूर्य अखलास जिससे हम दूसरे महदों की बारात का इजहार करके सिर्फ एक अल्लाह की इबादत का इखलास का इजहार करते हैं तो अल्लाह तला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको हज उमरे के मौक़ नसीब फरमाए और ये सूरों की फजीलतों को समझ कर इसके तर्जुमे को समझ कर अपनी नमाजों को खूबसूरत बनाने वाला बनाए आमीन सुमीन वकीवाना अनिलहमदीन